बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले मज़ीद 6 से 7 रोज़ के दौरान एतवार 16 जून से 25 जून के दौरान और ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, जबकि शदीद गर्मी की मौजूदा लहरों के बाद मुल्क के बहुत सारे इलाकों में कई रोज़ तक वक्फे से जारी रहने वाली प्री मानसून और मानसून की मूसलाधार बारिशों, गरज चमक, आंधियों और ठंडी हवाएँ चलने के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हों। ताज़ा तरीन मौसमी सूरतेहाल के मुताबिक आने वाले मज़ीद 2 से 3 रोज़ के दौरान भी ईद उल अज़हा के पहले 2 दिनों में 18 जून तक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद तरीन गर्म रहेगा। तहम नाज़रीन इसी दौरान लोकल डेवलपमेंट और कमजोर मगरबी सिलसिले के जरिए सर कश्मीर गगे बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा बालाई पंजाब समेत सुबह बलोचिस्तान और सुबह सिंध के सिर्फ चंद एक इलाकों में भी गरज चमक, आंधी और बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। नाज़रीन इस वक्त आप सबको मानसून बारिशों और खास तौर पर गर्मी की शिदत में कमी का बेसब्री से इंतजार है। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशखबरी आ चुकी, इंशाल्लाह ईद के दूसरे तीसरे दिन से खसूस 19, 20 और 21 जून के दौरान ताकतवर प्री मानसून और मगरबी सिलसिले के जरिए असर कश्मीर के बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत सुबह पंजाब के ज्यादातर बालाई वस्ती जनूबी जिला में और बलोचिस्तान समेत सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी आंधियां चलने और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान, अचानक से गर्मी की शिदत में काफी हद तक कमी आ जाएगी। जबकि 27, 28, 29 और 30 जून तक मानसून 2024 की बाकायदा शदीद बारिशें मुल्क के ज्यादातर इलाकों में शुरू होने की तवक्को, जिसकी वजह से आने वाले दिनों के दौरान मौसम भी इंतहाई खुशगवार होने जा रहा है। मतलब अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।